मॉर्निंग क्लास बच्चों, मैं प्रमिला गोदियाल आज आपको क्लास सिक्स हिंदी बसंत भाग एक की वह चिड़िया नामक कविता पढ़ाऊंगी। यह कविता कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि वह एक छोटी सी नीले रंग की चिड़िया के बारे में बता रहे हैं, उसके मन की भावनाओं को उजागर कर रहे हैं और वो बताना चाहते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया अनाज के दानों को खाती है और उसमें ही संतोष प्राप्त करती है और उसे अन्न से बहुत प्यार है और वह जंगल को बूढ़ा वन बाबा कहती है और उसके लिए अपने कंठ से रसीले गीतों को गाती है और उसे एकांत से बहुत प्रेम है। यहाँ तक कि वह जब नदी के जल को पीती है तो वह भी उसकी इच्छा के बिना, उसको जाने बिना उसके जल को ग्रहण नहीं करती है। तो बच्चों, मैं आपको ये पोयम पहले पढ़ के सुनाऊंगी और फिर उसका अर्थ बताऊंगी। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि चिड़िया को जुंडी अर्थात जो गेहूं और जौ की बाजरे की बालियां होती हैं, जब वो कच्ची होती हैं बच्चों, तो उनमें से दूध निकलता है, तो दूध जैसा निकलता है तो वो उसको खाना चाहती है और उसको खाके उसको बहुत आनंद प्राप्त होता है और बहुत रुचि और रस से उनको खाती है और उनको खा करके बहुत संतोष प्राप्त करती है क्योंकि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। तो कवि इस तरह से बताते हैं कि वह कविता, वह जो चिड़िया है नीले पंखों वाली, वह बहुत संतोषी है, अन्य के दानों को खाकर ही वह अपने मन में संतोष को प्राप्त कर लेती है। आगे है बच्चों, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं बच्चों कि चिड़िया अपने मधुर कंठ में बूढ़े वन बाबा के खातिर, बूढ़े वन बाबा किसको कहा है चिड़िया ने, जंगल को, बूढ़े वन बाबा के खातिर वह अच्छे मीठे मीठे गीत गाती है और वह छोटी प्यारी नीले वाली पंखों वाली चिड़िया जो है जंगल बाबा से बहुत प्रेम करती है। और यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, विजन, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो विजन का अर्थ होता है सुनसान और एकांत जगह, तो चिड़िया को एकांत जगह से बहुत प्रेम है और वह इस तरह से शांत रहकर वहां पर उसको जीवन को व्यतीत करती है। उसके बाद है बच्चों आपका आगे, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं बच्चों कि चिड़िया को चिड़िया अपनी मन की इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है बल्कि वह पहले स्वीकृति लेती है, जैसे कि वह नदी से भी उसके जल को ऐसे ही ग्रहण नहीं करती है बल्कि पहले नदी के उफंदी नदी में, यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों दिल, चढ़ी नदी का अर्थ होता है उफंदी नदी जिसमें कि जब बहुत अधिक जल हो, और दिल टटोल कर मतलब उसके दिल की बात को जानकर ही, उसकी अर्थात उसकी इच्छा को जानकर ही चोंच से जल रूपी मोती को ग्रहण करती है और वह नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत गर्वीली है, उसे नदी से बहुत प्रेम है। तो इस प्रकार कवि ने चिड़िया को मोहबोली, संतोषी और गर्वीली चिड़िया का नाम दिया है।